मतलब डॉक्टर्स को अब जो शिफ्टिंग चाहिए वो ये चाहिए कि हमें पेशेंट को एडुकेट भी करना है। एमएस और डॉक्टर है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस में जो चीज नहीं करना चाहते हम वो भी करना पड़ता है। मतलब किसी पेशेंट के लिए इंजेक्शन नहीं देना जरूरी, मतलब सूक्ष्म बात है लेकिन पूछ रहा हूँ, नहीं देना है तो भी उनके मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ भाव और क्रिया दोनों अलग हो जाती, तो वहाँ गिल्टी थोड़ा फील होता है। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों बातों को समझते हैं। डॉक्टर के एंगल से तो जैसे पेशेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से उन लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट दिया जाता है, प्लेसिबो यानी जो दवा एक्चुअली नहीं है, शुगर पिल्स हैं, मगर लोग एडुकेटेड नहीं हैं इसलिए उनको प्लेसिबो देना पड़ता है। तो एक डॉक्टर सोचता है कि ये ऐसा ऐसा है तो हमें अब इनको दवाई देनी है, इस तरह देनी है, जो दवा नहीं है फिर भी इनको देनी है। अरे डॉक्टर अच्छा, अब आज तो हम दे रहे हैं लेकिन क्या हम उनको एडुकेट कर रहे हैं? मतलब डॉक्टर्स को अब जो शिफ्टिंग चाहिए वो ये चाहिए कि हमें पेशेंट को एडुकेट भी करना है। देखा क्या गया, एक पेशेंट 10 साल से डॉक्टर के पास जा रहा है मगर उसको मेडिकल के बारे में 0 नॉलेज ही होता है 10 साल के बाद भी। तो डॉक्टर के पास इतने साल इलाज करवाया, डॉक्टर ने उसको एडुकेट नहीं किया कभी भी, क्यों? डॉक्टर चाहता है वो अनएडुकेटेड ही रहे ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे। उसके अनएडुकेटेड रहने से बिजनेस नहीं चलता, ये भ्रम है उस डॉक्टर का। एडुकेट करके ज्यादा बिजनेस होगा ये वो देखा नहीं है उसने अभी, उसने अभी ये देखा नहीं है कि एक्चुअली पेशेंट की चेतना बढ़ाकर, उसको नॉलेज देकर, उसको इन्फॉर्मेशन देकर हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ये दिखता नहीं है पहले। लॉजिकल क्या दिखता है, अगर उसको मालूम पड़ गया तो मेरे पास नहीं आएगा, लॉजिकल यही दिखता है ना। मगर हमारा काम क्या है, आज हमें प्लेसिबो इफेक्ट देना पड़ता है क्योंकि आज पेशेंट को लगता है मुझे इंजेक्शन लगी, मैंने दवाई ली, अब मैं ठीक होऊंगा। डॉक्टर को देखकर ही लोग ठीक होने लग जाते, वो इतना प्रभाव होता है क्योंकि इतने प्रूफ्स मिले हैं ना, जब भी डॉक्टर को बुलाया, जब भी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवाई दे दी और ठीक हो गए, तो वो इफेक्ट है, उसका फायदा लें मगर एडुकेट भी करते हैं धीरे धीरे। यानी डॉक्टर्स को कुछ पैम्पलेट बनाना शुरू करना चाहिए, कुछ जानकारियां देना शुरू करनी, यानी पेशेंट आ रहा है तो कुछ सीख रहा है कि नहीं, धीरे 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 वो आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। तो वो 10 और लोगों को बताने वाला है कि ये डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर सिर्फ आपके पैसे पर ध्यान नहीं रखता है, उनका बिजनेस है, वो करेंगे सही है, उनको कमाना भी है, सेवा भी कर रहे हैं, मगर वो हमारा लाभ भी देखते हैं, हमें एडुकेट भी करते हैं। तो एडुकेट करने के तरीके सोचते रहना, नए समय के साथ एक्सपर्ट बनते जाएं इस बात में भी, वरना डॉक्टर को लगता है कि मैं सीख चुका, अभी मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो नया प्रयोग करना बंद कर देता है। डॉक्टरों से ये गलतियां होती हैं, उनको दवा दें, दुआ करें उनके लिए, उनके AMSI को बताएं, सब तरीके से उनको मदद करें और लोग फील करते हैं वो जेन्युइननेस जो होती है ना, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य में इंटरेस्ट रखता है, जेन्युइनली चाहता है ये पर्सन स्वस्थ हो जाए, वापस बीमार ना हो, इसके लिए जो जो बताना जरूरी है वो बताते रहता है, खान पान में तुम ये बदलाव लाओ, तुम इसमें ये करो, इसमें वो करो, वरना डॉक्टर केयर ही नहीं रखते, क्या भी खाए, क्योंकि उनका बिजनेस चलता रहे इसलिए उनको लेना देना नहीं होता एडुकेट करने का। तो एडुकेशन दे, उनसे आप फीस ले रहे हैं तो हम पैम्पलेट तो दे सकते हैं कि नहीं, हर बार हम एक आधा पैम्पलेट बना के, क्योंकि पैम्पलेट बनाना है तो काफी काम है ना, तो ये काम तो बढ़ जाएगा, मगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप कुछ कार्य शुरू करोगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि पेशेंट की साइकोलॉजी के अनुसार उसको दवा दी जाए, प्लेसिबो दिया जाए, इंजेक्शन दी जाए, हालांकि वो दवा नहीं है फिर भी, मगर दूसरा पार्ट हम प्ले कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है, वरना इसी बात को लेकर लोग करते रहते हैं, अब हम भी क्या करेंगे, पेशेंट ऐसे है हम भी क्या करेंगे, तो सेम प्रैक्टिसेस लोग करते रहते हैं, मगर किसी को तो नया प्रयोग करना है, किसी को तो नया रास्ता चुनना है कि चलता आया है मगर हमें कुछ
लोगों पर तो एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कुछ पेशेंट पर तो करना है जो थोड़े समझदार दिखते हैं, उनके साथ तो प्रयोग करना है। तो एक नया आयाम आएगा और एक डॉक्टर सफल होता है उस तरीके से तो दूसरों डॉक्टर को भी सुनने को मिलता है, डॉक्टर्स की भी मीटिंग्स होती है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा संभावना है। तो आठ लोग मानेंगे, आठ लोग नहीं मानेंगे, पर कुछ लोग तो प्रयोग शुरू करेंगे। तो बस इंटेंशन ये है कि मंगल हो सबका। आज जरूरत है प्लेसिबो की देनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी जब वो दुख में है उसको और कुछ सोचता नहीं है, उस वक्त उसको प्लेसिबो बड़ा रिजल्ट देता है क्योंकि उसके विचार बदलते। तो एक्चुअली में वो दवा न होते हुए भी दवा है, दवा न होते हुए भी वो दवा है, ऐसा मत समझना वो दवा नहीं है, उसकी जरूरत है, वो दवा है। तो आप दवा समझकर ही दो, मगर दूसरा पार्ट भी कि मुझे समय के साथ साथ धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंट से तो बात कर रहे हैं ना आप, डॉक्टर का पेशेंट ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या होता है, हर डॉक्टर के साथ यही होते जा रहा है, पहले कम पेशेंट है बात करता है थोड़ा बहुत, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और वो कई लोग तो बात भी इसलिए करते ताकि थोड़ी बाहर भीड़ जमा हो जाए, वरना तो चाहते भी नहीं बात करना। अगर आपका लक्ष्य क्या हो कि सभी, और आप बात नहीं कर सकते तो स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, आप पूरे वर्ल्ड के लोगों से बात कर सकते, तो वो सिस्टम्स लाओ। सिस्टम फॉर विजडम है तो सिस्टम फॉर हीलिंग बन सकता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पेशेंट्स आए, सबको मिल सकता है जो उनको मिलना चाहिए, तो वो तरीके ढूंढने हैं, और हो सकता है, संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चाहत, एक दिन में नहीं होगा सही है, मगर बीज डालते रहना, निरंतरता से डालते रहना, और उसकी रिजल्ट ही आप अपने क्लिनिक में देखोगे, वैसे पेशेंट्स की लाइफ में देखोगे, तो ये संभव है, पहले आपको कन्विंस होना है। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।